हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, जैसे ही हम 12th पास आउट होते हैं ना, हमारे दिमाग में सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि अब क्या करना है, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है जब आप स्कूल से निकल के आप कह सकते हो बाहर की दुनिया में एंटर करते हो। अभी स्कूल तक तो लगता है कि जैसे बच्चे बच्चे से थे आप, लेकिन अब आपको अपने बारे में कुछ सीरियस सा डिसीजन लेना है। और सबसे ज़्यादा मैं आज बात करने वाली हूँ वैसे बच्चों के बारे में जिनके पास PCB कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ऐसे बच्चों का सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन सामने आता है ना, वो होता है MBBS। ज़्यादातर बच्चे जो है वो MBBS के लिए ऑप्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको MBBS में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता। सो उनके करियर के लिए अब क्या, अब सबसे ज़्यादातर जो हमारे दिमाग में घूमता रहता है ना, हमें MBBS नहीं करना तो अब हम क्या करें। सो ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनको, जिनके पास PCB कॉम्बिनेशन है और जिनको MBBS के लिए प्रोसीड नहीं करना। सो आज मैं आपको और भी करियर ऑप्शंस बताने वाली हूँ जो कि आप चूज़ कर सकते हो और जो कि बहुत ही ज़्यादा बेटर है, जिनकी फ्यूचर में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिनको आप आराम से ग्रास्प कर सकते हो। सो फर्स्ट जो सबसे, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, बीच में कट हो जाएगा ना। सो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिनकी अपॉर्चुनिटीज भी फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ब्राइट हैं, और अगर आप इन कोर्सेज के लिए ऑप्ट करते हो तो आपको आगे बहुत ही ज्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है अपने करियर में। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास, सिंपल सा ऑप्शन, दैट इज BSc, बैचलर इन साइंस। ये ऑप्शन है बच्चों, इसमें आपको ऑनर्स डिग्री भी मिल सकती है और या फिर एक रेगुलर डिग्री होती है, तो आप रेगुलर डिग्री के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो, ऑनर्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। रेगुलर बेसिकली वो लोग जाते हैं जिनको टीचिंग लाइन में प्रोसीड करना है। अगर आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये है कि आगे आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, तो आप रेगुलर डिग्री के लिए जा सकते हो। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करना है, उसके लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, तो इन दैट केस ऑल्सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप रेगुलर डिग्री ले सकते हो। लेकिन अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, आपने कहीं ना कहीं ये माइंड बना के रखा हुआ कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं इसमें रिसर्च फील्ड में जाना चाहता हूँ, सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर ऑनर्स डिग्री। अब ऑनर्स में क्या होता है बच्चों, जैसे ऑनर्स अगर आपने बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री में चूज़ किया, तो आपको इस सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है। दैट मीन्स आपको स्पेसिफिकली ये सब्जेक्ट्स जो है वो ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, तभी आपको ऑनर्स की डिग्री दी जाती है। लेकिन अगर आप रेगुलर डिग्री के लिए ऑप्ट करते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें जो CBZ है आपका, दैट मीन्स केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके पढ़ाई जाती हैं। स्पेसिफिक किसी एक सब्जेक्ट के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं दी जाती है। सो वैसे केसेस में आप रेगुलर डिग्री के लिए ऑप्ट कर सकते हो। रेगुलर में आपको BSc लाइफ साइंस, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc साइकोलॉजी, BSc होम साइंस, BSc एग्रीकल्चर, BSc इन्वायरमेंटल साइंस, इसका भी स्कोप आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो ये सब चीज़ें आप ऑप्ट कर सकते हो। BSc नर्सिंग भी आप कर सकते हो। और एक नया फील्ड बच्चों, MNS, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को अभी जानकारी नहीं है, जो कि है मिलिट्री नर्सिंग साइंस। इसमें आप नर्सिंग के एजुकेशन से मिलिट्री में जा सकते हो, डैट मीन्स वो आर्म्ड फोर्सेस जो है ना, वहाँ उस फील्ड में आप जाके अपने नर्सिंग का जो है वो एजुकेशन यूज़ कर सकते हो। सो इसका भी बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। इसके अलावा BSc फूड टेक्नोलॉजी में भी आप कर सकते हो। BSc फूड टेक्नोलॉजी में अगर आप रेगुलर डिग्री देखो, तो ये 3 इयर्स का है, जिसके बाद आपको MSc करनी पड़ेगी। अदरवाइज BSc फूड टेक्नोलॉजी में आप 4 इयर्स की ऑनर्स डिग्री भी ले सकते हो, जिसके बाद आप UGC नेट का एग्जाम दे सकते हो और आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। और अगर आपने UGC नेट क्वालिफाई कर लिया, तो आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर भी किसी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर सकते हो। और इसके बाद अगर सपोज UGC नेट वगैरह आप नहीं करना चाहो, तो ये ऑनर्स डिग्री लेने के बाद आप MBA भी कर सकते हो, और ये MBA आपका ABM या FABM में हो सकता है, दैट मीन्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, और ये आपका FABM फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें आप MBA भी परसू कर सकते हो। सो ये रेगुलर मैंने आपको सिंपल सा BSc के बारे में बताया। अब आइए देखते हैं इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। सो बच्चों, इसके बाद आप BSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में भी कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी मींस इसमें आपको पैथोजेंस की स्टडी करनी होती है। अब इसमें आपका जो BSc है वो 3 इयर्स का कोर्स होता है, प्लस 6 मंथ्स की इसमें इंटर्नशिप होती है। इसके अलावा आप BSc के बाद MSc में जा सकते हो, सेम फील्ड में, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, और ये MSc यहाँ आपको 3 इयर्स की होती है। इसके बाद आप CSIR नेट का एग्जाम दे सकते हो, जिससे अगेन आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। ये रिसर्च
टच के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर आपको ये भी नहीं करनी तो आप बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, इसको हम बीटेक इन बायोटेक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये 4 इयर्स की डिग्री होती है। इसके बाद अगर आपने बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कर लिया तो उसके बाद आप गेट का एग्जाम दे सकते हो। ये गेट का एग्जाम जो होता है, अगर इसको आपने क्रैक कर लिया तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में आप जा सकते हो, जहाँ आप अफोर्डेबल फीस में अपनी एमटेक कर सकते हो और एमटेक करने के बाद आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब सपोज आपको इतने ऑप्शंस में भी कुछ पसंद नहीं आया अगर, तो आप बीएससी के साथ बीएससी प्लस एलएलबी एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, आप ये भी कर सकते हो। इसमें आप सपोज आपको अब अपनी स्ट्रीम चेंज करनी है तो आप लॉ की तरफ जा सकते हो। बीएससी प्लस एलएलबी ये 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें आपको लॉ की स्टडी करनी होती है। सो जिन बच्चों को लॉ में इंटरेस्ट है, उनको ऐसा लग रहा है कि आगे चल के वो लॉ की पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड होंगे, सो वो इस कोर्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो बच्चों ये था। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पैरामेडिकल साइंसेज में। अब पैरामेडिकल साइंसेज क्या होते हैं, इसमें आपको हेल्थ केयर रिलेटेड स्टडीज जो है वो करनी होती है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप बीपीटी कर सकते हो, दैट इज बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। ये बीपीटी आप कर सकते हो, ये 4 इयर्स का कोर्स है, इसमें भी आपको 6 मंथ्स की इंटर्नशिप करनी होती है। और इसके अलावा आप बीएमआरटी कर सकते हो, ये है बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हो, ये 3 इयर्स का कोर्स है। इसके अलावा आप बी फार्मा कर सकते हो, ये बैचलर्स डिग्री है। डी फार्मा कर सकते हो जो कि आपका डिप्लोमा कोर्स है, ये आपके डी फार्मा आपके 2 इयर्स का होता है और बी फार्मा आपका 4 इयर्स का होता है। बी फार्मा करने के बाद आप एम फार्मा भी कर सकते हो, और या फिर इसके बाद आप एमबीए भी कर सकते हो। किस फील्ड में आप करोगे, वो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में आप कर सकते हो बी फार्मा करने के बाद, जिसके बाद आप अपना मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया तो आप जॉब्स वगैरह के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको इन सारे करियर ऑप्शंस में भी कुछ भी पसंद नहीं आया, अपने लिए कुछ भी सूटेबल नहीं लगा, तो बच्चों आप अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है उसके बाद भी आप बीए कर सकते हो, दैट मीन्स बैचलर इन आर्ट्स, आप अपना सब्जेक्ट चेंज करके में भी जा सकते हो। आप बीबीए कर सकते हो, आप बीसीए कर सकते हो, और इसके अलावा आप बीकॉम के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। सो अगर आपका इंटरेस्ट एमबीबीएस में नहीं है, सो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सामने करियर ऑप्शंस कम है, इसके अलावा भी बच्चों आपके सामने बहुत ही ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज रखी हुई हैं। सो इसमें जो भी कोर्स आपको अपने इंटरेस्ट का लगता है उसके बारे में आप नेट से और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करिए, उसके बारे में इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ हैं, एग्जाम्स कैसे होते हैं और एडमिशन कैसे लेना है, हर इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है, और उसके बाद अपने लिए आप एक सही डिसीजन ले सकते हो। सो बच्चों ये करियर ऑप्शंस थे जो आप चूज कर सकते हो 12th के बाद। इनका सुपरफिशियल नॉलेज मैंने आपको फिलहाल दे दिया है, और बहुत जल्दी ही मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें इन सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कि इस कोर्स का क्या फाइनल आउटकम आपको मिलने वाला है, सैलरी पैकेज एंड ऑल क्या ऑफर किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू ऑल। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, और अपने फ्यूचर के लिए अपने हिसाब से कोई अच्छा सा करियर ऑप्शन आप अपने लिए चूज करो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।